दोस्तों आपने मेरा जो पिछला वीडियो देखा था जिसमें मैंने किमी ट्रिमर की अनबॉक्सिंग करी थी, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती, काफी लोग उसे पसंद करते हैं, जिसका मॉडल नंबर 609 था। अगर जिसने नहीं देखा है उसको मैं आई बटन पे अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब आप आज का जो वीडियो होने वाला है वो भी ट्रिमर पे होने वाला है, लेकिन जो पिछला वीडियो था सेम डिक्टो आज उसी का कॉपी मॉडल मैं लेके आ रहा हूँ। दोनों ट्रिमर एक जैसे होते हैं, बस बॉक्स की पैकिंग, डिजाइन, मॉडल नंबर का, कंपनी यानी ब्रांड का अंतर है। तो दोस्तों ये वो ट्रिमर है, आप देख सकते हैं डिग्लिंग कंपनी की तरफ से। आप बॉक्स पैकिंग देख सकते हैं और पिछला वीडियो आप देखिए उसमें कैसी बॉक्स की पैकिंग थी। मॉडल नंबर अलग है, ब्रांड अलग है, बॉक्स की पैकिंग अलग है, बस ट्रिमर ऊपर से देखने में वैसा ही का वैसा ही लग रहा है। आप अंदर हमें क्या क्या चीज मिल सकती है ये हमें अनबॉक्सिंग करने के बाद पता चलेगा, फिर हम लोग उसका रिव्यू करेंगे, फिर उससे हम लोग रेटिंग देंगे। तो फटाफट से अनबॉक्स करने के लिए दोस्तों दिवाली की और भाई दूज की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आपके ऊपर महालक्ष्मी की ऐसे हमेशा कृपा बनी रहे, आप लोग हमेशा ऐसे समृद्ध और खुश रहें, बस यही दुआ है मेरी और आपसे ये विश करने आया था। जब तक ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें हम लोगों को इसके अंदर मिलती हैं। देखने से तो यही लग रहा है, आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि ओ माय गॉड, सारी चीजें सेम टू सेम डिक्टो उसी की तरह हम लोगों को मिली है। यूजर मैनुअल गाइड मिली है, चार क्लिपर हम लोग को, सेक्शन क्लिप मिलते हैं, एक ब्रश और एक ऑयल की बोतल मिलती है, ये चार्जिंग करने के लिए हम लोग को एक बॉक्स यहाँ पे मिलता है, ये हम लोग का मेन पार्ट यानी ट्रिमर हो गया, ये हम लोग का एडॉप्टर मिलता है जो कि एसी डीसी एडॉप्टर है, साथ में इनपुट 220 वोल्ट से 240 वोल्ट का देता है, आउटपुट 5 वोल्ट का दे रहा है। एक चीज का डिफरेंस है इसमें, जो इन्होंने जो एडॉप्टर इसमें दिया है इसकी क्वालिटी काफी अच्छी, आप लोग देख सकते हैं इसमें उससे डिफरेंस है, उसमें 3 वोल्ट का था, इसमें 4 वोल्ट का है एडॉप्टर। और हम लोग फटाफट से इसका मेन पार्ट देखते हैं पहले, बाकी चीजें तो बाद में देखी जाएगी। मेन पार्ट में दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं, वन सेकेंड, ये कलर भी सब कुछ वैसा ही है, ये मैं पास से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये ट्रिमर है दोस्तों, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ अलग से हम लोग को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, बस हम लोग चला के इसे देख सकते हैं। मैं आपके सामने चलाऊंगा दोस्तों। एक चीज हमें लग रही है कि उसमें थोड़ी सी आवाज कम थी, लेकिन इसमें आवाज थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। जब हम लोग इसे एक नंबर पर चला रहे हैं तो आवाज कर रहा है, दो नंबर पर और ज्यादा आवाज कर रहा है। फिर से एक बार मैं आपको चेक कराता हूं, ध्यान सुनिएगा। आवाज कर रहा है ना, लेकिन वो ट्रिमर आवाज नहीं कर रहा था। यहां पे इसके एक पॉइंट जो है कम हो जाता है, या ट्रिमर आवाज कर रहा है। बाकी ट्रिमर की क्वालिटी मुझको ठीक लगी है, सेम वैसे ही था, बस एडॉप्टर की क्वालिटी थोड़ी सी इन्होंने बढ़ा दी है, 5 वोल्ट का एडॉप्टर दे रहा है। सेम डिक्टो वैसे ही चार्जिंग भी इसकी, आप ऐसे करके आप इसके पीछे यहां से कनेक्शन है इसका, यहां से आप इसे चार्जिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चार्ज होने लगेगा आपका ट्रिमर। यही चार्ज इसकी क्वालिटी थी। अब हम लोग दोस्तों इसकी रेटिंग जो देंगे 5 में से 3.5 की मैं देना चाहूंगा यहाँ पर रेटिंग, क्योंकि एक चीज मुझे पसंद नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिमर की खराब बात होती है, वो है आवाज। आवाज इन्होंने कम करने की करी, आवाज बहुत इनका ट्रिमर कर रहा है और बस मुझे वही नहीं पसंद है। बाकी मैं आपको इसकी ब्लेड की शार्पनेस दिखा रहा हूँ, ब्लेड की शार्पनेस आप देख सकते हैं, ब्लेड की शार्पनेस बहुत है, बहुत ज्यादा फास्ट वर्क कर रहा है, लेकिन बस आवाज कर रहा है। तो दोस्तों ये एक ट्रिमर था, इसकी अनबॉक्सिंग में आपको लेके आया था। अगर आपको ट्रिमर कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ये ट्रिमर आपको अच्छा लगा कि पिछला वाला। और जल्द ही इसका मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूं जहां पे मैं किमी और डिग्लिंग दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, उसको जरूर देखिएगा आप लोग, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा ट्रिमर आपके लिए सही साबित हो सकता है, बेहतर रह सकता है। जब तक मैं वीडियो यहीं पर एंड करके जा रहा हूं, अपना ख्याल रखिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, पिछली वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।